नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेगमेंट में। यहाँ से अब हम शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स की। बेसिक मैथमेटिक्स से आगे तक हम बढ़ेंगे। हर प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को ये टच करेगी। तो दोस्तों, पेन एंड पेपर अपने उठा लीजिए और हमारे साथ शुरू हो जाइए। बेसिक से आगे तक जाने के लिए सफ़र रहेगा लंबा। तो दोस्तों, जो भी प्रश्न हो वो आप अपने पूछते रहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे इसकी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, संख्याओं पर संक्रियाएं। वी विल टॉक इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, वट एवर वी फील बेटर फॉर स्टूडेंट। सो दोस्तों, यहाँ पर जब हम किसी संख्या की बात करते हैं, कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं, तो वो दाईं से बाईं ओर की तरफ चलती है। सबसे पहला पॉइंट, तो इसमें सबसे पहले जो स्थान पर होती है, उस स्थान को हम कहते हैं यूनिट प्लेस, इकाई का स्थान। दैट इज वंस प्लेस, देन टेंस प्लेस, देन 100 प्लेस, देन 1000 प्लेस। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से संख्याओं को हम प्रेजेंट करते हैं। बहुत ही छोटी चीज़ है, बेसिक चीज़ है, बट शुरुआत से जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें जाननी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 235,689। हाउ वी विल राइट अप दैट नंबर इन वर्ड्स एज वेल एज इन वी कैन आस्क इन विच प्लेस 6 इज रिटन हियर। दैट मींस वी आर आल्सो आस्किंग द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, द टू इम्पॉर्टेंट थिंग, कि भाई जातीय मान क्या है और स्थानीय मान क्या है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको हम बेसिक तरीके से जानेंगे कि जातीय मान किसे कहते हैं और स्थानीय मान भी किसे कहते हैं। तो फिलहाल शॉर्टर नोट पे 235,689 को आप कैसे लिखेंगे? देखिए, 9 तो आ गया इसका इकाई के स्थान पर, फिर 8 आ गया दहाई के स्थान पर, 6 आ गया आपका 100th प्लेस पे, सैकड़े के स्थान पर, फिर 5 आ गया 1000वें स्थान पर, 3 आ गया 10,000वें स्थान पर, और 2 आ गया लाखवें स्थान पर, 1,00,000 प्लेस। ठीक है, तो इस तरीके से 235,689 हमने लिखा। अब बात होगी दो छोटी छोटी बातों की, कि भाई जो जातीय मान है और स्थानीय मान है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, आखिर कौन बताएगा? अगर आपको पता चल गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और डिस्क्रिप्शन में मैं जो हूँ किताब की भी जानकारी देता रहूँगा आपको कि कौन सी किताब को रेफर करना है। फिलहाल जो है दोस्तों, जातीय मान जो है किसी भी संख्या का फेस वैल्यू कहलाता है। फेस वैल्यू मतलब जो वो संख्या एक्चुअल में है। यानी कि अगर हम 235,689 में 6 का फेस वैल्यू पूछेंगे, भाई 6 की फेस वैल्यू, जातीय मान बताइए, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा दोस्तों। और 235,000 में 2 का जातीय मान पूछेंगे तो 2 का 2 ही होगा। यानी जो जातीय मान है, फेस वैल्यू है, वो वही संख्या रहेगी। नोट कर लीजिए। अब बात आएगी स्थानीय मान की। अब चूंकि स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है, तो किस प्लेस पे है उतने जीरोस के साथ अटैच हो जाएंगे दोस्तों। 100th प्लेस पे है तो 2 जीरो अटैच हो जाएंगे, जिससे सैकड़ा वाली संख्या मानी जाएगी। अब जैसे 6 का हम स्थानीय मान, फेस प्लेस वैल्यू पूछे, प्लेस वैल्यू, तो 6 का प्लेस वैल्यू वो 100वें स्थान पर है, इसलिए 6 × 100, 600 उसका आंसर होगा दोस्तों। तो ये तो जानकारी है प्लेस वैल्यू और स्थानीय मान की। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक और चीज़ है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी है दोस्तों। तो सम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं क्या है? सम मतलब इवन, विषम माने ऑड। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाती हैं। इसका मतलब है कि सबसे छोटी जो सम संख्या है वो 2 है। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि सर 0 भी तो है, भाई 0 को भी तो हम 2 से भाग। नहीं, 0 पूर्णतया 2 से विभक्त नहीं होती। जब 0 के साथ कुछ जुड़ेगा तब वो 2 से विभाज्य होगी। तो सबसे छोटी संख्या 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन होती है सम।